हेलो गाइस, वेलकम टू अल्फा कंप्यूटर एजुकेशन। और आज हम आपको बताएंगे कि एक्सेल में हमारा टैक्स जो है वो उसको हम कैपिटल, स्मॉल या फिर प्रॉपर केस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी केस को चेंज कैसे करेंगे। यानी हमारा डाटा पहले से फीड है, पहले से लिस्ट बनी है और लिस्ट की और कॉलम यानी रो की कोई तादाद ही नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, यानी 1000 रो या हमारे पास 200 हमारे पास कॉलम है। और उन केसेस में हमने एक एक करके एक एक वर्ड्स को चेंज करना, उनको स्मॉल से अपर में ले जाना या फिर अपर से स्मॉल में ले जाना, ये बहुत ही टफ तो है ही, और ये बहुत ज़मानों का काम है। इसलिए हम आज बताएंगे आपको कि किस तरीके से हम चुटकियों में किसी भी अपर को स्मॉल में और स्मॉल को अपर केस में या फिर प्रॉपर केस में चेंज करेंगे। अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास दो छोटी छोटी टेबलें बनी हैं। समझाने के लिए मैंने सिर्फ छोटी सी टेबलें लगी। इन टेबल को यानी इस छोटे से डाटा को, ये जब हम प्रॉपर कहीं वर्क करते हैं किसी कंपनी में, तो हमारे पास टेबल यानी कि जो टेबल्स होती है यानी जो डाटा होता है, वो डाटा इतनी कम मात्रा में नहीं होता, बहुत मात्रा में होता है, यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास डाटा होता है, उसको कैसे कन्वर्ट होते हैं। तो इसमें हम इन दो डाटा जो हमारे पास फीड है सामने दिख रहा है, इस पर हम देखते हैं कैसे क्या होता है। हमारे पास सारा का सारा इस्तेमाल में है और हमें कैप्चर करना है, तो कैसे करें। देखिए, सबसे पहले तो हमारे पास ये वाली जो पहली वाली टेबल है, इस टेबल में हमारे पास सारा डाटा इस्तेमाल है और इसको हमें कैप्चर करना है। ओके, तो उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके लिए हम पड़ोस में यानी पास में इस डाटा को कन्वर्ट कर सकते हैं अपर में। यानी इक्वल का निशान लगाएंगे, UPPER अपर लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे और उसके बाद हमने एक को यहाँ पे एंटर किया और एंटर कर दिया। अगर हम यहाँ पे इसको ड्रैग करेंगे तो ये हमारा सारा का सारा पहला जो कॉलम था वो अपर में कन्वर्ट हो गया है, जो कि हम देख रहे हैं। इसी तरीके से दूसरे कॉलम को भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इक्वल अपर एंड ब्रैकेट एंड फादर नेम देन इंटर। और अगर हम देख रहे हैं तो यहाँ से ये फादर नेम वाला कॉलम भी हमारा, ये हमारा हो गया है कैपिटल में। और अगर हम तीसरे की बात करें तो अपर ब्रैकेट शुरू एंड एड्रेस देन इंटर, और एड्रेस वाले कॉलम को भी मैंने कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर गैप दे दें या फिर हम एक नया कॉलम यहाँ पर ऐड कर सकते, जिससे कि हम अलग अलग हमको दिखता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये अलग अलग कॉलम में हमारा डाटा ऐड हो गया। मसला ये नहीं कि हमने अपर में कन्वर्ट कर दिया, अब मसला सबसे बड़ा ये है कि हम इसको, हमें दोनों डाटा नहीं चाहिए, हमको ये स्मॉल वाला नहीं चाहिए, हमें सारा का सारा अपर में चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए अगर हम इसको, मैंने अपर में इसको कन्वर्ट कर दिया और पहले वाले डाटा को मैंने इसे सिलेक्ट करके और डिलीट करना चाहें या क्लिक कर दें, तो हम देखेंगे दूसरा डाटा हमारा चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमने जिसको अपर में कन्वर्ट किया था वो तो डिपेंड तो स्मॉल से ही था, यानी पुराने वाले डाटा से था, इसलिए हम इसके डाटा को अलग करेंगे। यानी कि हमने जो अपर में कन्वर्ट किया है उस पूरे टेबल को हम सिलेक्ट करेंगे, देन हम कंट्रोल सी यानी कॉपी करेंगे और हम पुराने वाले डाटा को रिप्लेस कर देंगे। नेम पे हमने क्लिक किया है, नेम वाले सेल पे मैंने क्लिक किया है और मुझे कंट्रोल वी नहीं करना है, क्योंकि मुझे पेस्ट स्पेशल में जाना है, या फिर हम यहीं से राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल में जा सकते हैं। मैं पेस्ट स्पेशल में गया, यहाँ से वैल्यूज हमें लेनी है, वैल्यू पे मैंने क्लिक किया और ओके किया। अब इधर दूसरा वाला जो डाटा है, या फिर हम पूरी की पूरे कॉलम या फिर सिर्फ डाटा को डिलीट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हमारा सारा का सारा जो डाटा है वो कैपिटल में कन्वर्ट होता है। ओके, चलिए, ये तो आसान था, इसमें सारा का सारा टेक्स्ट था। अगर किसी टेबल में टेक्स्ट के साथ साथ हमारा नंबर भी हो, उसके लिए क्या करेंगे। अब देखिए, हमारे पास ये जो पहला कॉलम है इसको मुझे कैपिटल में करना है, और मुझे ये जो रो दिख रही है इसको मुझे 8 नंबर की जो रो है वो हमें पूरी की पूरी कैपिटल में कन्वर्ट करनी है। तो क्या करना है, हमने एक यहाँ पे रो इंसर्ट कर ली, एक नई रो इंसर्ट कर ली, उसके नीचे मैंने बराबर का निशान लगाया, देन मैंने अपर लिखा, ब्रैकेट शुरू किया और आइटम पे क्लिक किया, एंटर किया, ये कैपिटल में हो गया। अब इसको हम ड्रैग करेंगे रो की फॉर्म में, रो की फॉर्म में इसको ड्रैग किया और हम देख रहे हैं कि हमारा सारा का सारा डेटा कैपिटल में यानी अपर केस में हो गया है। सेम उसी तरीके से मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद ऊपर आइटम पे राइट क्लिक करके
पेस्ट स्पेशल में जाके वैल्यूज़ को चूज़ करेंगे, देन ओके करेंगे, और जिससे हमारा ये अलग हो जाएगा। और दूसरे वाले जो कॉलम को मैंने रो को मैंने इंसर्ट किया था, उस रो को हम डिलीट कर दें। ओके, देख रहे हैं हमारा सारा यानी जो हेडिंग्स थी हमारी आइटम परचेज सेल और प्रॉफिट जो था वो सारा का सारा हमारा कैपिटल में हो गया। अब हमको चाहिए है कि ये जो हमारा कॉलम में जो आइटम्स लिखे हैं ये हम कैप्स लॉक में कर दें, यानी कैपिटल में कर दें। तो सेम तरीका है, बराबर अपर और ब्रैकेट शुरू करेंगे, सैमसंग पे क्लिक करेंगे, इंटर करेंगे और इसको हम ड्रैग कर देंगे, और ड्रैग करने के बाद सारा का सारा कैपिटल में हो गया। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इस पर हमने पेस्ट स्पेशल से हमने वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया, वैल्यूज़ को ओनली वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया, और इस वाले कॉलम को या इस वाले डाटा को इधर वाले डाटा को इसको हम आसानी से क्लिक कर सकते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं सारा का सारा हमारा हो गया। अगर हम चाहते हैं कि हमारा डाटा जो है वो स्मॉल में कन्वर्ट होता है, तो उसके लिए सेम तरीका है, बस अपर की जगह पे हमें लोअर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इक्वल का निशान लगाया, LOWER लोअर, और ब्रैकेट शुरू करेंगे, मैंने नेम को एंटर किया और वो हमारा स्मॉल में हो गया। मैंने यहाँ से इसको ड्रैग कर दिया तो हम देख रहे हैं सारा का सारा स्मॉल में हो गया। फिर मैंने इक्वल लिखा, फादर नेम भी क्लिक किया, देन एंटर किया, मैंने इक्वल लिखा और यहाँ पे लोअर लिखा, देन मैंने ब्रैकेट शुरू किया और फादर नेम भी इंटर कर दिया, और देन मैंने इक्वल लिखा, लोअर लिखा, एंड मैंने एड्रेस पे क्लिक करके इसको इंटर कर दिया, और फादर नेम को ड्रैग कर देंगे और एड्रेस को ड्रैग कर देंगे, ये हमारे पास इस्तेमाल कर रहा था। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट स्पेशल किया और वैल्यूज़ को ओनली वैल्यूज़ को पेस्ट कर दिया, जिससे कि हमारा डाटा पहले की तरीके से सारा का सारा इस्तेमाल हो गया। इट्स वेरी सिंपल। अगर हम चाहते हैं कि जो हमारे नेम लिखे हैं उनका पहला अक्षर बड़ा हो, मुझे पूरा नहीं चाहिए, प्रॉपर कीस में चाहिए, तो पहला अक्षर जब बड़ा हो तो उसको प्रॉपर कीस बोलते हैं। सारे अक्षर बड़े होते हैं यानी सारे लेटर्स बड़े होते हैं, कैपिटल होते हैं, तो उनको हम अपर बोलते हैं, और जो सारे लेटर्स स्मॉल में होते हैं तो हम लोअर बोलते हैं। वेरी सिंपल। अब हमें क्या करना है, मुझे हेडिंग्स कैपिटल में लेते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर रो एक इंसर्ट कर लेंगे, एक्स्ट्रा रो इंसर्ट कर लेंगे, क्योंकि मुझे हेडिंग्स कैपिटल में चाहिए। इक्वल अपर ब्रैकेट शुरू नेम एंटर, और मैंने इसको ओके ठीक है, और मैंने इसको कॉपी कर लिया, मैंने ऊपर इसको पेस्ट कर दिया, सॉरी पेस्ट नहीं करना, कॉपी कर लिया, और मैंने राइट क्लिक किया और पेस्ट स्पेशल में गया और वैल्यूज और ओके कर दिया, और जो हमने रो ऐड की थी उस रो को मैं कर देता हूँ डिलीट, मैंने उस रो को डिलीट कर दिया। ओके, मेरी जो हेडिंग्स थी वो कैप्स लॉक में हो गई, यानी कैपिटल में हो गई, अपर केस में हो गई। उसके बाद अब हमको क्या करना है, ये जो डाटा हमारा लिखा है यानी नेम में जो स्टूडेंट्स के नेम हैं और उनके फादर्स और एड्रेस जो हैं उनके हम पहला अच्छा यानी पहला लेटर कैपिटल करना चाहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। मैंने लगाया इक्वल और यहाँ लिखेंगे प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर लिखेंगे, ब्रैकेट शुरू करेंगे, और मैंने नेम को सिलेक्ट किया, एंटर कर दिया। अभी हम देखेंगे कि पहला लेटर नाम का कैपिटल हो गया, देन इसी तरीके से मैंने इक्वल किया और लिखा प्रॉपर, ब्रैकेट शुरू किया, देन हमने फादर नेम को ले लिया, और अभी हम देख रहे हैं कि फादर नेम का भी पहला अक्षर हो गया है अपर, और इक्वल करेंगे, देन हमने कहा ले लिया प्रॉपर, ब्रैकेट शुरू, एड्रेस इंटर एंड ड्राइव। अभी इसको सारे डेटा को इन तीनों कॉलम को कंट्रोल सी कर लेंगे और इस पर पेस्ट स्पेशल पे जाके वैल्यूज़ को ले लेंगे, देन ओके कर देंगे, और इस वाले डेटा को हम कर देंगे डिलीट ऐसे। अभी देख रहे हैं कि हमारे सारे के सारे जो नेम है, फादर्स नेम है और एड्रेस के जो कॉलम्स हैं उनका जो डेटा है वो प्रॉपर केस में हो गया है, ये फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो गया है,
मैंने अपर केस भी दिखा दिया, यानी सारे कैपिटल, सारे स्मॉल और पहला लेटर कैपिटल। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करिएगा और ये नॉलेज अपने तक में रखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलता है और वीडियो आपके लिए लाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया।